Hello students, myself Ayusha teacher from Citizen School and I am back again to teach you something new in Gujarati subject. तो चलो अब हम नया पेज जो हमारा पेज नंबर 12 है वो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है जाना, अस्वर ने मात्रा होती नहीं. अस्वर दरेक मूळाक्षर में हो छे. मतलब क्या होगा कि अस्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है और वो सारे मूळाक्षर में आता है. तो वो कैसे आता है, चलो हम कुछ बोल दें. क आपको अ का स्वर सुनाई देता है उसके अंदर, ख तो अ सुनाई देता है ना. वैसे ही व्यंजन में लगावती दरेक मूळाक्षर पूर्ण थाई छे. मतलब हमारे जो व्यंजन है क ख ग जो हमारे क्या है व्यंजन है उसके अंदर अ स्वर होता है. तो कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे. क खोड़ो प्लस अ इज इक्वल टू क, मतलब क आधा और उसके अंदर हम प्लस अ का उच्चारण करेंगे तो क्या सुनाई देगा, क क के अंदर अ का उच्चारण आता है. वैसे ही ख खोड़ो, खोड़ो मीन्स आधा प्लस अ इज इक्वल टू ख, मतलब आधा ख है उसके अंदर हम हमारा जो स्वर है क्या है अ उसको हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा ख, मतलब वो पूरा हो जाएगा. वैसे ही ग खोड़ो प्लस अ इज इक्वल टू ग, हमारे सारे व्यंजन में अ स्वर हमें बोलने पर सुनाई देता है. ओके तो अब हम स्वाध्याय करेंगे. तो चलो स्वाध्याय में क्या हेडिंग डाला है फर्स्ट, कौन रीड करेगा, आप सब मेरे साथ रीड करोगे ठीक है. चलो अपनी फिंगर रखो, चित्र ओढ़खो, शब्द वाँचो अने लखो. समझ में आया क्या करना है, हमें पिक्चर पहचानना है और यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो हमें पढ़ना है और इसको हमें वापस लिखना है ठीक है. तो चलो ये कौन सा पिक्चर है कौन बताएगा मुझे, यस लेग, मतलब इसको गुजराती में कौन बताएगा, यस पग. तो यहाँ पे क्या लिखा है, पग, तो हमें यहाँ पे वैसे ही प ग कितनी टाइम्स लिखना है, थ्री टाइम्स, पग पग आपको अच्छे से बोल के लिखना है. वैसे भी सामने देखो कौन सा पिक्चर है ये, यस कुछ है यहाँ पे पिंक कलर का और अंदर पानी जैसा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टब, क्या बोलेंगे टब. तो यहाँ पे लिखा क्या है, चलो रीड करो, टब. तो वापस हमें कितनी टाइम्स लिखना है बोल बोल के, थ्री टाइम्स, चलो लिखो टब टब टब. वैसे ही आपको ये कौन सा पिक्चर है, पत्र, वैसे ही आपको यहाँ पे पत्र थ्री टाइम्स लिखना है. कैसे लिखोगे, पत्र पत्र पिक्चर टू टाइम्स आपको दिखा रहे सारे वर्ड्स ठीक है. आपको आपके टेक्स्ट बुक में कितनी टाइम्स कंप्लीट करना है, थ्री टाइम. चलो नेक्स्ट कौन सा पिक्चर है, ये वाला, यस घर. तो चलो कौन मेरे साथ लिखेगा, चलो जल्दी जल्दी, घर घर आपको थ्री टाइम्स लिखना है. चलो नेक्स्ट पिक्चर कौन सा, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है फ्लावर्स है तो ये क्या है, वन. चलो यहाँ पे क्या लिखा है, वन, चलो मेरे साथ लिखो अभी थ्री टाइम्स, वन वन वन. चलो सामने कौन सा पिक्चर है, यस क्या है, रण है ना, रण है ना, यहाँ पे कैमल दिखाई दे रहे हैं ना और ये सारी सैंड है तो क्या कौन सा पिक्चर है, रण. चलो थ्री टाइम्स लिखो, रण रण. ऐसे ही आपको बोल के ही सारे वर्ड्स लिखने हैं तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे ठीक है. उसके बाद चलो कौन सा पिक्चर है,
क्या लिखा है यहाँ पे, हनी मतलब मध, यहाँ पे क्या लिखा है मध, वैसे ही आपको मध 3 times बोल बोल के लिखना है मध ऐसा। चलो ये अभी कौन सा पिक्चर है, फ्रूट है ना, यस, इसको हम गुजराती में क्या बोलेंगे, फल। तो चलो क्या लिखा है यहाँ पे, फल, तो हमें 3 times क्या करना है, बोल बोल के फल लिखना है। अब आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा ना कि कैसे करना है, तो ये 2 आप अपने आप ही कंप्लीट करोगे, टीचर नहीं लिख के दिखाएंगे, ठीक है। चलो ये कौन सा पिक्चर है, कौन बताएगा, यस, खल, ये कौन सा वर्ड लिखा है, खल। चलो तो आपको क्या करना है यहाँ पे, 3 times लिख लेना है। और चलो ये कौन सा पिक्चर है, यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड मनी चेन सब दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, धन। चलो ये वर्ड्स अच्छे से आपको पढ़ना है, धन, क्या करना है यहाँ पे, 3 times कंप्लीट करना है। चलो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13, उसके ऊपर क्या लिखा है पढ़ो, चलो, चित्र जोई जोड़ का जोड़। तो क्या करना है, आपको कुछ समझ में आया, सबको आ गया समझ में, क्या करना है, कौन बताएगा, चलो मैं ही बता दूँ आपको, पिक्चर देखना है और उसका जो नाम है उसके साथ हमें मैचिंग करना है। चलो ये कौन सा पिक्चर है, कौन बता रहा है मुझे, यस, ये है नड़। तो चलो कहाँ पे लिखा है यहाँ पे, ये तो जग लिखा है, बस लिखा है, हर लिखा है, कप लिखा है, रथ लिखा है, यस, लास्ट वाला क्या लिखा है, नड़। तो हमें क्या करना है, स्केल की हेल्प से हमें जॉइंट कर देना है। चलो फिर ये कौन सा पिक्चर है, जग, तो कहाँ पे लिखा है, यस, फर्स्ट पर, तो हमें अच्छे से जॉइंट करना है। आपको भी आपके टेक्स्ट बुक में स्केल का यूज़ करके ही मैचिंग कंप्लीट करना है, ओके। चलो ये कौन सा पिक्चर है, बस, तो कहाँ पे लिखा है, ये रहा बस, चलो अच्छे से बस के साथ जॉइंट कर दो। चलो ये कौन सा पिक्चर है, कप, तो कहाँ पे लिखा है, हड़ के नीचे, तो अच्छे से कप के साथ जॉइंट करो। उसके बाद ये कौन सा पिक्चर है, रथ, तो रथ कहाँ पे लिखा है, कप और नड़ के बीच में, तो आपको अच्छे से जॉइंट कर देना है रथ के साथ, रथ को। और ये कौन सा पिक्चर है, हड़, तो कहाँ पे लिखा है, कप के ऊपर, तो अच्छे से मैच कर लेना। चलो अभी नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं खाली जिज्ञा पूरो। तो क्या करना है, अण का यूज़ करके ये पूरी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, मतलब यहाँ पे देखो र लिखा है तो मेन बाजू में अण लिखा है, ये जो सर्कल वाला वर्ड है उसका ही हमें ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है लिख के, रण भण घण कण, वैसे ही आपको क्या करना है, र का यूज़ करके ये पूरी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, जैसे वो अपने आप करोगे, मैं सिर्फ रीडिंग करती हूँ, रम रथ र रट, वैसे ही व का यूज़ करके आपको ये कंप्लीट करना है। कैसे करोगे, व ग, जहाँ पे ब्लैंक्स दी है वहाँ पे ये बीच वाला जो वर्ड है वो लिखना है, वर वन वर्ड। चलो अभी ये मैं ध वाला आपको दिखाती हूँ, ध ग, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध लिखना है, फिर धन, तो ध लिखना है, मध, तो यहाँ पे भी आपको ध लिखना है, और वध, तो यहाँ पे भी ध लिख के कंप्लीट करना, वैसे ही आपको न और ध कंप्लीट कर लेना है।